हेलो 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 एंड गुड इवनिंग 94.3 माय एफएम पर मैं हूं आमोद आपके साथ और आप सुनना शुरू कर चुके हैं आपका फेवरेट शो बुक का लुक जिसका सीजन 2 हम लेकर आ चुके हैं इन एसोसिएशन विद एम्पावर क्लब। इस शो में मैं आपकी मुलाकात कराता हूं अमेजिंग पर्सनालिटीज और बहुत ही बेहतरीन ऑथर्स के साथ। तो आज जिस किताब के बारे में हम बात करने वाले हैं उस किताब का नाम है रिवर्बरेशन ऑफ अ टाइम पीस जिसे लिखा है सुधीर कोवे जी ने। तो सुधीर जी फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। सर ये जो आपका आउटफिट है जो आपने इस किताब में भी कलर्स का जिक्र किया है तो ये आउटफिट भी एकदम ब्राइट है, मतलब जो लोग हमारे ऑडियो लिसनर्स हैं सर ने एकदम ब्राइट कलर का मतलब लाइट ब्लू पहना है उसके अंदर व्हाइट शर्ट पहना है। तो सर इस आउटफिट के बारे में बताइए और क्या ये कॉन्शियस डिसीजन है आपका भी? तो यस ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन है क्योंकि समाज में ये ऑकल्ट साइंस कहलाता है जो भी हम काम करते हैं ऐसी चीज़ें जो दिखती नहीं है राइट वो खोज के निकालना ये हमारा काम होता है। तो ऐसे में आज जो ऑकल्ट साइंस की तरफ लोग देखते हैं उसमें इमेज ऐसी है कि ये लोग शायद उतना अच्छा काम नहीं कर रहे या काट रहे हैं या बेवकूफ़ बना रहे। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कई सारे फिल्मों में इसका मजाक उड़ाया जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझको वो इमेज बदलनी है कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी ग्राफोलॉजी इनकी तरफ लोग एक प्रोफेशनल की तरह देखें और इस करियर को भी एज अ फर्स्ट चॉइस प्रोफेशन सिलेक्ट करें। और इसी सिलसिले को लेके या इसी थॉट को लेके मैंने कभी भी कपड़े पहने तो प्रोफेशनल पहने बिल्कुल इंस्टेड ऑफ वो जो ऑरेंज कलर रहता है या वो ना करते right. एक सूट बूट पहन के ही हम हर जगह पे जाते ताकि लोग हमको प्रोफेशनल समझे। सर ये एक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जैसे आपने कहा इसको ऑकल्ट साइंस बोलते हैं लेकिन इसके बारे में मानते सब है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो कहीं ना कहीं फोर फ्रंट में नहीं लाना चाहते इस चीज़ों को लेकिन बैकग्राउंड में सबका ख्याल वही चलता है। तो आपके आज सर किताब के बारे में हम बात करने वाले हैं रिवर्बरेशन ऑफ टाइम पीस। हम हमेशा कहते हैं नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर लेकिन इस किताब के कवर पर एक बढ़िया चमचमाती हुई वॉच लगी हुई है तो इस बुक के बारे में और इस कवर के बारे में बताइए। तो ये बुक का कवर काफ़ी स्पेशल है जी। इसमें हम रिस्ट वॉच की बात कर रहे हैं। रिस्ट वॉच जो चीज़ है वो एक तो काल के बारे में बात करता है। काल मतलब काला, काल मतलब शनि। तो वो हमने ब्लैक कलर के बैकग्राउंड में दिखाया और उसके बाद जब हम घड़ी पहनते हैं या घड़ी को यूज़ करते हैं तो हमेशा टाइम के लिए नहीं पहनी जाती, दिखावे के लिए भी पहनी जाती है राइट तो वहाँ पे वीनस आता है, शुक्र आता है और वो शुक्र का भी जो असर है वो कवर पे आना चाहिए। इसलिए हमने वो चमचमाती हुई घड़ी डाली जिसमें डायमंड आ गए तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो दो प्लैनेट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हमने कवर पे डाले हुए। सुपर। तो सर रिस्ट वॉच से सारा एनालिसिस होता है, रिस्ट वॉच के ऊपर से हम लोगों के बारे में जानते हैं, उनको हम गाइड करते हैं कि आगे कैसा होना चाहिए लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि क्या रिस्ट वॉच की कीमत मैटर करती है? क्योंकि एक आम आदमी भी घड़ी पहनता है उसकी घड़ी 150 रुपये की भी हो सकती है और एक अमीर आदमी भी घड़ी पहनता है उसकी कीमत 1.5 लाख भी हो सकती है, टाइम तो सेम है लेकिन क्या कीमत मैटर करती है? कीमत मैटर नहीं करती है, ये सबकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन जिसको हम कहते हैं उससे जुड़ा हुआ है। तो जो घड़ी का स्वरूप है जिसमें जो दिखा जाता है कलर्स है, डिजिट का साइज है, डिजिट्स है, वो सब मैटर करते हैं। उसकी कीमत यूनिवर्स के लिए 1 रुपया 1 करोड़ रुपया सेम है राइट तो जो सिग्नल मिलेगा वो इम्पोर्टेंट है। सुपर। तो सर इस किताब के जरिए इस किताब को जब लोग पढ़ेंगे तो कौन सी चीज़ें उनको मिलेगी इस किताब को पढ़कर? तो इस किताब को पढ़ के उनको ये पता चलेगा कि कौन सी तकलीफ उनको लाइफ में हो रही है और उसका रीज़न क्या है, रिस्ट वॉच में वो कौन से तत्व उन्होंने इंक्लूड किए। जैसे कुछ लोगों का घड़ी छोटा हो सकता है, कुछ लोगों का घड़ी का बैकग्राउंड ख़राब हो सकता है, कुछ लोगों के घड़ी में कलर्स वो नहीं है जो उनकी लाइफ को सूटेबल है तो वो लोग चुन पाएंगे कि ऐसी घड़ी जिससे हो सकता है उनकी लाइफ उस दिशा में अग्रेसर हो जाए जहाँ पे वो पहुँचना चाहते हैं। क्या बात है। तो सर एक आइडियल घड़ी एक आम आदमी के लिए उसने कौन सी घड़ी पहननी चाहिए और जो लोग घड़ी नहीं पहनते क्या उससे उनकी लाइफ में फ़र्क पड़ेगा? तो जो लोग घड़ी नहीं पहनते तो देखो पहनने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को ऑब्लाइज्ड कर रहे हैं। इट्स लाइक क्या कहते हैं हम कि अगर किसी व्यक्ति ने घड़ी पहनी है तो वो उस चीज़ को लेके कमिट कर रहा है। जैसे अगर आपकी बहन ने आपको राखी बांधी तो आपका कमिटमेंट हो जाता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। अगर किसी महिला ने मंगलसूत्र पहना तो उसका कमिटमेंट हो जाता है कि मैं मेरे पति के लिए कमिटेड रहूँगी। या अगर आप कंपनी का पट्टा भी पहनते हो तो वहाँ पर भी हम कहते हैं कि मैं इस कंपनी के लिए वफादार रहूँगा। तो या फिर हम लोगों ने नागा सदूस की बात करते तो नागा सदूस कपड़े नहीं पहनते तो वो सोसाइटी के लिए कमिटेड नहीं है, हम कपड़े पहनते क्योंकि हम सोसाइटी के लिए कमिटेड है। तो किसी भी चीज़ का धारण करना कमिटमेंट के बारे में बात करता है। वाओ। तो ऐसे में अगर आप घड़ी नहीं पहनते हो, घड़ी बहुत स्पेशल है क्योंकि घड़ी टाइम बताता है आपकी लाइफ बताता है, तो इसका डायरेक्ट मीनिंग ये होता है कि आप ऑब्लिगेशन से डरते हो, आप अननेसेसरी ऑब्लिगेशन नहीं लेना चाहते हो, अननेसेसरी कमिटमेंट नहीं करना चाहते हो।
तो जब आदमी कमिटमेंट से बचना चाहता है तो वो कुछ भी नहीं पहनता। इसलिए कई लोग जब शरीर को त्याग देते हैं तब वो शरीर पे कुछ नहीं पहनते, क्योंकि वो एक ऑब्लिगेशन रहता है कि इस पृथ्वी पे रहना है। तो ये होता है घड़ी पहनना और ना पहनने के बारे में। दूसरा है कि आम आदमी ने क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जिसकी वजह से वो लाइफ में आगे बढ़ पाए। तो जब मैं बात करता हूँ घड़ी, तो घड़ी सबकॉन्शियस माइंड और एस्पिरेशंस उनसे जुड़ा हुआ है। तो साइज देखो, आपने हर बार सोचा होगा, समझा होगा, बहुत सारे बुक्स इस टॉपिक के ऊपर कि बड़े सोच का बड़ा जादू या फिर मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। तो ये सब लोग आपको क्या कह रहे हैं कि बड़ा सोचो, तो वो बड़ा सोच घड़ी में भी आना चाहिए ऐसा मुझको लगता है। क्योंकि अगर घड़ी छोटी हो जाती है तो कहने की वो सोच को छोटा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। और हमने देखा है कि जब आप छोटी घड़ी पहनते हो तो वो आपकी लाइफ में बहुत सारी बीमारियों को लेकर आती है। हमने देखा है, हमारे ऑब्जर्वेशन है, बहुत ज़्यादा अरण्य हमने किया इसके ऊपर, कि जब लेडीज़ छोटी घड़ियाँ पहनती हैं तो उनको गायनक से संबंधित इश्यूज होते हैं और मेल्स को फाइनेंशियल इशू सहन करने पड़ते हैं। तो एक जो चीज़ हमारे व्यूअर्स लिसनर्स कर सकते हैं कि छोटी घड़ियों को अवॉइड करें, मीडियम साइज़ लार्ज साइज़ चल जाता है, और एक्स्ट्रा लार्ज घड़ियाँ भी उन लोगों ने पहननी चाहिए जो शो ऑफ के बिजनेस में, जैसे एक्टर एक्ट्रेसेस है, पॉलिटिशियंस है, सेल्स पीपल है। तो ये बेसिक है जो लोग अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं जी। तो सर ये बहुत बड़ा अच्छी बात आपने कही कि घड़ी का साइज़ आपकी थिंकिंग को रेप्लिकेट करता है। लेकिन अभी जैसे मेरे जैसा आदमी हो, तो मैं पहले वॉच नहीं पहनता था, लेकिन मैंने वॉच पहनने की शुरुआत की फॉर स्टाइल। तो उसकी वजह से क्या कोई चेंज आए होंगे मेरे अंदर की, जैसे मैं तो पहले सिर्फ कॉलेज के दिनों में कभी वॉच नहीं पहनी मैंने, बट जैसे मैं प्रोफेशनल लाइफ में मैंने स्टेप इन किया तो मैंने वॉच पहनने की शुरुआत कर दी, अपने आउटफिट के साथ वॉच भी मैच करने लगा। तो क्या इससे पता चलता है पर्सनैलिटी के बारे में? 100%। तो जब आप कॉलेज में वॉच नहीं पहनते थे तो उस समय पे आप बहुत ज़्यादा संभल के रहते थे, उतना जल्दी कमिट नहीं करते थे, उतना ज़्यादा लोगों को प्रॉमिस नहीं करते थे कुछ भी। लेकिन जब आप काम करने लगे और जब आप घड़ी पहनने लगे, तब आप सामने होके आपने कहा कि यस मैं ये करूँगा, ये मैं कर लूँगा, आप मेरे पे भरोसा रखो। तो ये जो वर्ड्स है वो पहले नहीं थे, अब आने लगे। वाओ, ये हो गया। और दूसरा, जब कोई भी व्यक्ति अपने शरीर के हिसाब से या कपड़ों के हिसाब से घड़ी को एडजस्ट करता है, तो उसका कहना होता है कि मैं सामने वाला जो व्यक्ति रहेगा उसके हिसाब से एडजस्ट करने के लिए रेडी हूँ। तो आप अभी इस मोमेंट पे जो व्यक्ति आपके सामने आके बैठेगा उसका पर्सपेक्टिव समझ के उसके हिसाब से बात करने के लिए रेडी हूँ। क्या बात है, मतलब अभी मैं एकदम से ऑस्ट्रिक हो चुका हूँ कि हाँ सही में ये सारी चीज़ें कितनी मैटर करती है, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। जैसे आपने कहा, ये सबकॉन्शियसली ये सारी चीज़ें होती है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये सारी चीज़ें यही तो है। तो सर मैं आपकी किताब देख रहा था, इस किताब में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें आपने घड़ी के डायल की बात की है, कलर्स की बात की है, तो मैं कलर्स के बारे में जानना चाहूँगा। तो एक वॉच के कलर्स भी इतने मायने रखते हैं? बहुत ज़्यादा। मतलब मैं कहता हूँ कि अगर घड़ी का डायल साइज अगर ये शरीर है तो कलर्स आत्मा है। वाओ सर, मोस्टली क्या होता है ना, वॉच दो टाइप के लोग पहनते हैं, एक तो ब्लैक या वाइट। तो ये दो कलर्स क्या एकदम गो टू कलर्स होते हैं, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? तो देखिए, ब्लैक कलर को हमारे संस्कृति में बहुत बुरा माना गया है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो कृष्ण जो है उनको नीले कलर में दिखाया जाता है, लेकिन उनका नाम है घनश्याम, कृष्ण वर्णीय। हाँ, तो लेकिन वो उनको काले नहीं दिखाते, वो ब्लू दिखाते क्योंकि वो अशुभ संकेत मानते हैं। लेकिन देखा जाए तो ब्लैक कलर जो है वही सच है, दो ही कलर सच हो सकते हैं, एक तो वाइट या तो ब्लैक। तो जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे ब्लैक है, तो ब्लैक अनंत है। और जब हम अनंत की बात करते हैं तो इनडायरेक्टली हम भगवान की बात कर रहे हैं या शिव की बात कर रहे हैं। तो वो आकाश तत्व का दर्शाता है, ऐसा तत्व जो अनंत है, जिसका कोई सीमा नहीं है। इसीलिए जितने भी लोग एक्सपर्ट होते हैं, उनका जिनका नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, वो आपको हमेशा ब्लैक कलर में देखेंगे। जैसे जज, वो हमेशा ब्लैक कलर पहनेंगे, या फिर जहाँ पे बाकी लोगों का कुछ नहीं चलता वहाँ पे सिर्फ ब्लैक चलता है। आपने देखा होगा कि जब भी मास भी आपको मिले हैं तो फाइनल मास जो कुछ बदलता नहीं है तो वो ब्लैक में आते हैं आपको। या फिर ऐसी जगह पे आप कुछ नॉनसेंस हरकतें करते हो तो ब्लैक कलर का आदमी, ब्लैक कपड़ों में पहना हुआ आदमी उठा के आपको बाहर फेंकता है, बाउंसर। सही बात। तो वो हमेशा अथॉरिटी को दर्शाता है। ब्लैक कलर इज़ वेरी वेरी पावरफुल फॉर बिल्डिंग द अथॉरिटी। इसलिए जो अथॉरिटी लोग होते हैं उन लोगों ने अगर ब्लैक पहना, जैसे आपने भी वॉच पहना, उसका बेल्ट ब्लैक है, उसका बैकग्राउंड ब्लैक है, तो इसलिए मैंने जब हमारी बात चली तो मैंने कहा कि आपको हमेशा कंट्रोल चाहिए, अथॉरिटी चाहिए। राइट।
तो अथॉरिटी लोगों ने अगर ब्लैक पहना तो उनके लिए अच्छा होता है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अथॉरिटी की आदत नहीं है और उसके पास अथॉरिटी भी नहीं है, अगर ऐसे व्यक्ति ने ब्लैक कलर को पहना तो फिर उसके लाइफ में से खुशी निकल जाएगी, क्योंकि शिव, भगवान शिव, वो खुश होने के लिए फेमस नहीं है, वो अथॉरिटी के लिए फेमस है। लास्ट में आएंगे, अपना काम करेंगे, लेकिन वो चुप बहुत रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, अपना अपना काम करते रहते हैं। तो जब भी कोई भी व्यक्ति ब्लैक कलर परिधान करता है तो अगर ये सब चीज़ें वो ऑलरेडी कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, शांति से बैठा हुआ है, एक्सपर्ट मूड में चल रहा है, देन उसके लिए बहुत अच्छा है वो वॉच। लेकिन सामान्य व्यक्ति ने पहना तो उसकी लाइफ में रिलेशनशिप खराब होने की संभावना, वो डिप्रेशन में जाने की संभावना, ये सभी चीज़ें ब्लैक में आती, क्योंकि शिव का जो लाइफ है वो सामान्य लोगों के डिप्रेसिंग है। वो कपड़े नहीं पहनेंगे, वो सेलिब्रेट नहीं करेंगे, वो शांति से बैठ रहेंगे, तो लोग बोलेंगे ऐसे बाबा क्या बन के बैठा है ना। और सेलिब्रेशन भी उनका जब होता है तो सब लोगों के लिए वो सेलिब्रेशन नहीं होता, तांडव होता है, तांडव होता है जी। वेरी ट्रू। तो ब्लैक कलर सबके लिए सुटेबल नहीं है, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए जो एक्सपर्ट लेवल पे जा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। व्हाइट कलर सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि व्हाइट कलर में आप सभी कलर्स को समावेश करते हो, मतलब कोई भी कलर ऐसा छूटता नहीं है जो व्हाइट में नहीं है। इसी वजह से जो व्हाइट कलर का डायल पसंद करते या रखते हैं वो लोग सभी के साथ अच्छे से व्यवहार कर पाते हैं, हर मतलब छोटे से लेके बड़े तक हर एक के साथ बात कर लेते हैं, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो व्हाइट कलर सोसाइटी में ज़्यादा लोगों ने पहना तो झगड़े कम होंगे, इश्यूज़ कम होंगे और फाइट्स कम होंगे। मतलब ब्लैक व्हाइट कलर इज अ सिंबल ऑफ पीस, और जो लोग व्हाइट पहनते हैं वो मूलभूत शांत होते हैं। करेक्ट। और ये जब आप ये सारी चीजें बता रहे हो तो मुझे रियलाइज हो रही है, मैं अभी अपने सारे दोस्तों की, अपने अराउंड ऑफिस में जो लोगों की वॉचेस है उनसे उनको ऑब्जर्व कर रहा हूं, और ये बात बिल्कुल सच है कि जिन्होंने व्हाइट पहना ना वो कभी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आते, वो संभाल लेते हैं सारी चीजों को। बिल्कुल सही बात। लेकिन आपके ऑफिस में आया तो मैंने देखा कि ज्यादातर लोगों ने ब्लैक पहना हुआ नहीं, व्हाइट वाले कॉल भी निकले ना बाहर। वाह जी जी जी। तो सर ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मतलब इसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। लेकिन सर कमिंग बैक टू योर बुक, ये किताब भी काफी छोटी है, ठीक है। आजकल ये जो इंस्टाग्राम रील का जमाना है, अटेंशन स्पैन 3 सेकंड का है, तो इसके बारे में नॉलेज तो बहुत है, मतलब अभी इसके पहले भी बात कर रहे थे और अभी फिर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये खत्म ही नहीं हो रहा है, क्यूरियोसिटी और बढ़ती जा रही है। तो क्या ये आपका एफर्ट था जानबूझ के इस किताब को कम रखा जाए, सिंपल भाषा में रखा जाए ताकि लोगों तक पहुंचे, ये क्या ख्याल था इसके पीछे का? तो जिस समय पे मैंने ये किताब लिखने का सोचा था वो बहुत इनिशियल डेज है, मतलब 2-2.5 साल पहले हमने इसको चालू किया लिखना, अभी 2 साल हो गए ये बुक को पब्लिश करने के बाद। तो उस समय पे उतना कंटेंट हमारे पास नहीं था, उस समय उतना रिसर्च भी नहीं था, इवॉल्विंग स्टेजेस था, लेकिन सब्जेक्ट नया था और मैंने डिसाइड किया था कि इस सब्जेक्ट को लेके बुक बनाएंगे, क्योंकि अगर मैंने इसको खोजा हुआ है, मैं पहला व्यक्ति हूँ, तो मेरा बुक इस टॉपिक के ऊपर होना चाहिए, मेरी इच्छा थी। तो हमने बुक लिख दी, लेकिन बुक लिखने के बाद मैंने जो R&D किया वो बहुत विशाल हो गया, मतलब उसके बाद मैंने खुद ने काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखी, और तब से लेकर अब तक हमने करीबन 700 लोगों को ये साइंस सिखाया है। तो मुझको एक व्यक्ति ने अगर 2 प्रश्न भी पूछे तो मैंने 1500 के आसपास प्रश्नों का उत्तर दिया हुआ है। क्या बात। तो उस उत्तर में से ये साइंस और डेवलप हुआ और मैं बहुत सीखा हूँ पिछले 2-2.5 सालों में, इसलिए आपको अभी लग रहा है कि अनंत है, लेकिन उस समय जितना कंटेंट था उतना वो बुक में आया हुआ है। क्या बात है। तो सर आने वाले, अभी जैसे आपने कहा कि ओवर द इयर्स नॉलेज तो बढ़ता ही रहता है, ज्ञान तो आता ही रहता है, तो कोई और किताबें आने वाली है, क्या प्रोसेस है अभी आने वाले दिनों के लिए? तो हमारा टॉपिक यही है कि कैसे हम सिम्बोलिक तरीके से सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करें, क्योंकि वो एक ही लैंग्वेज है जो सबकॉन्शियस माइंड समझता है। तो आने वाला जो नया बुक है हमारा, उसका नाम है पिक्चर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो आप लोग ड्राइंग करते हो, जिसमें ड्राइंग में हम लोग कहते हैं कि सिंपल सा ड्राइंग जो आपने स्कूल में बनाया है, एक सूर्य निकाल दिया आपने, फिर आपने पहाड़ निकाल दिया, ट्री या फिर नदी, घर और ह्यूमन, ऐसे कुछ चीज़ें हम आपको ड्रॉ करने के लिए बनाते बोलते हैं, फिर इन सभी चीज़ों का आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्शन होता है। जैसे हम सन बनाते, अब सन जो है वो आपकी नेम फेम का कारक होता है, क्योंकि सन में प्रकाश होता है, तो वो सन आपका नेम फेम कितना होगा, कैसे होगा, उसके बारे में बात करता है, वो आपके फादर फिगर के बारे में बात करता है, और सन आपके पोटेंशियल, परफॉर्मिंग पोटेंशियल के बारे में बात करता है। तो कुछ लोग होते हैं जो आधा सन बनाते हैं ड्राइंग में, तो कहीं ना कहीं वो अपने पोटेंशियल से आधा अचीव कर रहे हैं। कुछ लोगों के रेज नहीं होते तो उनका नेम फेम उतना बढ़ता नहीं है। तो कुछ लोगों ने पहाड़ छोटे बनाए होते हैं, अभी पहाड़ की बात करेंगे तो पहाड़ जो है वो चैलेंजेस, इश्यूज, प्रॉब्लम्स, उसके बारे में बात करता है। तो जिनके पहाड़ बड़े होते हैं ड्राइंग में, वो बड़े चैलेंज को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। जिनके एंगुलर होते हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एनालिटिकल हो पाते हैं।
तो ये बुक है जिसका नाम है पिक्चर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये आने वाले एक दो महीने के अंदर रिलीज होगा और पब्लिश होगा। और ऐसे ही बाकी दो बुक्स आ रही हैं, जिस एक उसमें से एक का नाम है सिग्नेचर एनालिसिस और दूसरे का है राइटिंग एनालिसिस। ये दोनों भी सबकॉन्शियस माइंड से हमारा सिग्नेचर और राइटिंग कैसे एसोसिएट होता है उसके बारे में बात करते हैं। वाह सुपर। तो सर अभी ये जो वॉच वाला साइंस, इसको थोड़ा बाइफरकेट करते हैं कि एक स्टूडेंट ने अपने लाइफ में कौन सी वॉच धारण करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, उसके बाद एक आदमी जो अपना कॉलेज हो गया है अभी वो जॉब ढूंढ रहा है, उसको जॉब लगा है, तो उसने कौन सी वॉच पहननी चाहिए, और फिर जो बॉसेस या लीडरशिप लेवल पर होते हैं उन्होंने आइडियली कौन सी वॉच पहननी चाहिए, तो स्टूडेंट से शुरुआत करते हैं। ओके, तो मैं कहूंगा कि क्या आप स्टूडेंट हो? मैं तो स्टूडेंट हूँ ही वैसे देखा जाए तो मैं स्टूडेंट की कैटेगरी में किसको रखूँ? हाँ, और किसको नहीं रखूँ? अच्छा, स्टूडेंट की कैटेगरी में अच्छा आपको होता तो जो कॉलेजेस में है बेसिकली। करेक्ट, तो कॉलेजेस में भी कौन से कॉलेज में? कॉमर्स में है, टेक्निकल, कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं जा सकता है ना। हाँ, तो कैसे होता है जैसे जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को आप सब हिस्ट्री बताते हो कि क्या खाया है, क्या पिया है, कितने दिनों से वो प्रॉब्लम चालू है, तभी वो डॉक्टर आपको एक सही मेडिसिन दे सकता है। इसीलिए कोई भी वजह से जो वॉच आपने और मैंने पहना हुआ है, ये वॉचेस बाकी लोगों के लिए नहीं है, ये हमारे दोनों के लिए बहुत अच्छे वॉचेस हैं, तो मैं खुश होगा कि आपने वो वॉच पहना है। ये वॉच अगर आप किसी और को पहनने के लिए लगाओगे तो उसकी बीवी कंप्लेंट करेगी, अरे कुछ दिनों से हंस नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा सीरियस होकर काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गया है, लेकिन आपकी बीवी को आदत हो गई आपकी, है ना। तो हम दोनों को चल जाता है, हर एक को ये नहीं चलेगा। वैसे हर कोई भी रंग बुरा नहीं होता, हर रंग का अपना अस्तित्व होता है। रात है तो दिन का महत्व है, दिन है तो रात का महत्व है। तो हर एक कलर, हर एक डायल, हर एक शेप कहीं ना कहीं फिट बैठता है। तो वो आदमी जो हमारे पास आ रहा है रिस्ट वॉच रेमेडी के लिए कि कौन सा मैंने पहनना चाहिए, तो उसका बैकग्राउंड अगर हमको समझता है, जैसे आज हम लोग नागपुर में बैठे हैं तो नागपुर का एटमॉस्फेयर अलग है। 11 बजे के पहले कोई कॉल नहीं उठाता है, लोग अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, समय लेते हैं, बिल्कुल। लेकिन वही मुंबई में जाओगे तो सवेरे 6 बजे से आदमी दौड़ रहा है, भाग रहा है, उसके पास समय नहीं है। तो उधर के आदमी के लिए वॉच अलग हो जाएगा और वही काम करने वाले व्यक्ति का इधर के लिए वॉच अलग हो जाएगा। तो जो आपका बैकग्राउंड है, रिसोर्सेस है, एरिया है, टाइप ऑफ वर्क है, इन सब पे वो डिपेंड करता है। एक इंटेलिजेंट व्यक्ति है, होशियार बंदा है, होशियार स्टूडेंट है, उसके लिए वॉच अलग। जो नहीं पढ़ाई कर पाता, जिसको समझता नहीं है, उसके लिए वॉच अलग। तो सर इस किताब को पढ़ने के बाद क्या हमें वो डायरेक्शन मिलेगी कि हमें कौन सी वॉच धारण करनी चाहिए? तो एक मोटा मोटी आपको पता चलेगा, बिल्कुल एक लेवल पे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं था। ये बुक लिखने में 10 साल लग जाते और हम चाहते थे एटलीस्ट लोगों को ये टॉपिक के बारे में पता चले एक छोटे लेवल पे, जैसे मैंने बिग साइज की बात की, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति बड़ा सोचे और वहाँ से चालू होगी आपकी सोच कि बड़ा वॉच अपने पहना, बिग साइज, तो आपका सोच बड़ा होगा। बड़ा सोच होता है तो कुछ होने की पॉसिबिलिटीज होती है, इसलिए मैंने वो टिप दे दिया। बाकी उस बड़ी सोच में और क्या ऐड करना है उसके लिए आप कभी भी हमारे साथ भी जुड़ सकते हो, या फिर अगर कहीं अगला बुक आएगा इसी टॉपिक को लेके, या कभी मेरा यूट्यूब पे वगैरह वीडियो आते रहते तो वहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे आपने पहनने चाहिए। मतलब मोटा मोटी इस किताब को पढ़ने के बाद हमें ये तो पता चल जाएगा कि वॉच का इम्पोर्टेंस क्या है, कौन सी वो चीज है जो हमने हमारे माइंड में रखनी चाहिए जब हम एक वॉच को सिलेक्ट करते हैं। करेक्ट। तो सर ये बुक का लुक शो है, तो हम हमेशा कहते हैं कि जो लिखता है वो पढ़ता भी बहुत है, तो आपकी रीडिंग जर्नी के बारे में मैं जानना चाहूँगा। ओके, तो मैं बचपन में बहुत पढ़ता था, और बचपन में जो मैं पढ़ता था वो ज़्यादातर जासूसी नावल, क्योंकि उस समय पे तो वही अच्छा लगता था, क्राइम थ्रिलर्स बचपन में। तो बचपन में जो कॉमिक्स होते थे सुपर हीरोज, उसके बाद ऐसे जो छोटे छोटे बच्चे होते जो जासूसी करते थे इधर उधर ढूंढना, और हमेशा ना एक उसमें उनके पीछे ना साइंटिस्ट होता था जो कुछ तो भी आविष्कार करता था, जिसको सुपर हीरो पहन के फिर बड़ा सुपर हीरो बनता था। तो ऐसे कैरेक्टर्स ने मुझको बचपन में बहुत इन्फ्लुएंस किया था, तो रात दिन मैं यही बुक्स पढ़ते रहता था। फिर जब मैं बड़ा हुआ तो फिर मेरा जो इंटरेस्ट है वो सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ गया। तो उस दौरान मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो है उसमें से एक है, फिर साइंस ऑफ गेटिंग रिच नाम का जो बुक है जिसने मुझको बहुत प्रभावित किया, और मेरा पूरा बिजनेस मॉडल जो है वो साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब उसके बहुत सारे प्रिंसिपल हम अपने हमारे बिजनेस में यूज़ करते हैं। उसके अलावा फिर जो कुछ बुक्स है जो पढ़ना अनिवार्य है क्योंकि सब लोग उसके बारे में बात करते थे, रिच डैड पुअर डैड, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, या फिर शिव खेरा का जो बुक है यू कैन विन, तो ऐसे बहुत सारे बुक्स को मैंने पढ़ा। और फिर एक दौर आया जहाँ पे बैठ के पढ़ना पॉसिबल नहीं था, बिजनेस कर रहे थे, बहुत भागदौड़ चल रही थी, तो उस समय पे फिर मैं जो ऑडियो बुक्स की तरफ बढ़ा, और फिर ऑडियो बुक्स में तो बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं,
और टाइटल भी याद नहीं रहता क्योंकि हर रोज सुनते रहते तो मैं हर रोज पढ़ता जरूर बिल्कुल कुछ ना कुछ। मतलब एक आपका जो जॉनरा है जो आपकी लाइफस्टाइल को भी दिखाता है कि अगर आप बिल्ड कर रहे हो तो आप मोस्टली पर्सनालिटी के अराउंड किताबें पढ़ते हो। बचपन में जब अपने पास टाइम था तो क्यूरियोसिटी के अराउंड हमने किताबें पढ़ी, और अभी जैसे बहुत सारे ऑथर से भी हमारी बात होती है तो उनका कहना है कि अब वो साईफाई पढ़ते हैं क्योंकि अभी उनका एक जॉनरा हो चुका है तो वो अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा पर्सपेक्टिव है, आपसे बात करके अलग अलग एंगल ही एंगल मुझे मिलते जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा जो हमारे नए रीडर्स हैं, जो हमारे नए लिसनर्स हैं, बेसिकली ये शो उन्हीं लोगों के लिए जो बुक नहीं पढ़ते। अभी जैसे ये जो हमारा पूरा कॉन्वर्सेशन था इसके अराउंड इतनी क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई, आई एम प्रिटी श्योर लोग ये सारी किताबें पढ़ेंगे और स्पेशली रिवर्बरेशन ऑफ टाइम। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौन से बुक रिकमेंडेशन आप दोगे हमारे नए रीडर्स के लिए, तीन बताइए। तो सबसे पहला बुक जो उन्होंने पढ़ना चाहिए वो है हु मूव्ड माय चीज, उसका मराठी में भाषांतर भी माझा चीज कोणी हलवलं, बड़ा फनी है इसलिए मैंने बोला। तो ये बुक सभी लोगों ने पढ़ना चाहिए क्योंकि इस बुक को पढ़ने के बाद जो शिफ्ट आता है सोच में वो बहुत बड़ा है। क्या बहुत अच्छा है, छोटा सा बुक है, एक 10 मिनट में आपका खत्म हो जाएगा लेकिन बहुत पावरफुल है। इसके बाद और एक बुक है जो सभी लोगों ने इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि उनको सेल्फ जर्नी कहाँ उसका एहसास हो कि मुझको क्या करना है, कहाँ पे जाना है। आपने नाम शायद सुना होगा इकिगाई। यस। तो वो बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों ने पढ़ना चाहिए ताकि उनको ये समझे। और फिर एक सीरीज है जहाँ पे द सीक्रेट, आपने सुना होगा। यस। तो मैंने सीक्रेट नाम की बुक का या उसकी वीडियो का मैंने बहुत उस समय पे अभ्यास किया और उसके बाद मैंने उसको यूज़ किया मेरी लाइफ में। 2018 में मेरे लाइफ के मैंने 10 गोल लिखे और उसका एक विजन बोर्ड बनाया और उस 10 गोल में से 9 गोल कंप्लीट हो चुके। उसमें मैंने मर्सिडीज जेले का फोटो लगाया था, मेरे वाइफ के साथ रिलेशनशिप अच्छे करने के लिए मैंने एक पिक्चर लगाया था जहाँ पे एक कपल को लिया था जो रोमांटिक था और मैंने उनके चेहरे पे हमारे चेहरे इम्पोज किए थे। क्या बात है। और घर के बारे में डाला था, एक आलीशान घर। और सभी ड्रीम्स आज कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ एक जिसमें मैंने लिखा बहुत बड़ा सपना रखा था वो कि मैं 1000 करोड़ का बैंक बैलेंस देखना चाहता हूँ, ऐसा एक ड्रीम मैंने हो जाएगा वो भी। हाँ, तो वो छोड़ के बाकी 9 के 9 ड्रीम्स कंप्लीट हुए। तो ये जो बुक्स है सिंपल है, यूजफुल है, ईजी टू फॉलो है और छोटे भी हैं। तो ये बुक्स लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप कोई भी नया रीडर पढ़ना चाहें तो अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो आप पढ़ सकते हैं। क्या बात है। तो सर आपसे अभी इतनी सारी बातें हमने जान ली, इतना सारा नॉलेज है आपके पास, इतनी सारी चीज़ें जो लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकती है, तो आपसे जुड़े कैसे हमारे लिसनर जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, जो देख भी रहे? तो बहुत सारे तरीके, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब पे हमारा कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ फ्री में नॉलेज शेयरिंग होते रहता है। अभी राइट नाउ हम लोग एस्ट्रोलॉजी को लेके 25 डेज का फ्री कोर्स चला रहे जहाँ पे हज़ारों लोग आके कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और वो ब्लेसिंग दे रहे हैं। क्योंकि ये देखिए बहुत बड़ी धरोहर है हमारी कि जहाँ पे ऋषि मुनियों ने सभी चीज़ों को डिकोड करके ऑलरेडी बताया है, हमारा हम लोग समझ नहीं पाते क्योंकि जो समझा रहे वो भी नहीं चाहते कि आप समझो। और दूसरा जो लिखा गया है वो बहुत ही क्लिष्ट लैंग्वेज में लिखा गया है। बिल्कुल। मुझको खुद को समझना 1 साल के बाद चालू हुआ, जबकि मैं हर रोज 2-4 घंटे पढ़ रहा था। तभी मैंने डिसाइड किया था कि एक दिन मैं इसको पढ़ाना चालू करूंगा और इस लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति समझ पाए और अपनी लाइफ में उसको यूज़ कर पाए। बड़ा ही देखो कितना सिंपल ट्रिक्स वहाँ पे बताया गया। जैसे आप देखोगे तो जो अर्थव्यवस्था है, जो गल्फ कंट्रीज है उनकी अर्थव्यवस्था ऑयल पे चलती है, तो उनका दिन शनि के दिन पे चालू होता है, सैटरडे, फ्राइडे को छुट्टी देते हैं ऑयल। तो उस हिसाब से हमारा भी तो दिन कुछ और होना चाहिए ना। हम मंडे को क्यों चालू कर रहे हैं? क्योंकि जो अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों के यहाँ पे क्वीन दिन की शुरुआत करते, तो मून का डे होता है सोमवार, मंडे, तो क्वीन के हिसाब से वो बराबर है। लेकिन वो तो अभी चले गए ना, हमने तो सूर्य के दिन रविवार के दिन छुट्टी नहीं लेनी चाहिए टेक्निकली देखा जाए, क्योंकि सूर्य के दिन सूर्य बाहर निकलेगा, एक राजा बाहर निकलेगा, राजा बाहर निकलेगा तो पैसा देने के लिए रेडी है। इसलिए जितने भी लोग संडे के दिन शिद्दत से काम करते हैं उनकी लाइफ में पैसे को लेकर बरकत आप जरूर देखो। इसलिए मैं कभी संडे को छुट्टी नहीं लेता, इसलिए अच्छा है संडे को इवेंट्स कर लेते हैं हम। सही चीज है। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो ऑलरेडी हमारे शास्त्र में बताया गया है। इनफैक्ट जो आपको अगर पता होगा कि जो 7 दिन पूरे वर्ल्ड में 7 दिन की बात करते हैं, मंडे ट्यूजडे, ये हमने उनको दिया हुआ है। उनको पता भी नहीं कि मंडे को मंडे ही क्यों कहते हैं, है ना। इसके ऊपर वीडियो भी काफी प्रचलित हो रहा है जो कि शास्त्र में ऑलरेडी लिखा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा ज्ञान जो कि एक सोने की खान की तरह है, ये लोगों तक तो पहुंचाने का अभी मैंने बीड़ा उठाया कि 25 दिन का एक फ्री कोर्स करेंगे जहाँ पे सभी लोगों को ये
इनडेप्थ सिखाएंगे, एटलीस्ट सबको सब खुद का कुंडली जो है वो पढ़ते आना चाहिए और उनकी स्ट्रेंथ उनको समझते आनी चाहिए। तो ये एक प्रयास है मेरा, तो ऐसे आप सभी लोग जुड़ सकते हो, काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं, पेड भी है, अनपेड भी है, फ्री भी है। तो क्या बात है, तो सर के साथ ज़रूर कनेक्ट कीजिए। सर का नाम सुधीर कोवे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहाँ चाहो आप जाइए, गूगल पे जाइए, चैट जीपीटी को पूछिए, सब जगह सर आपको मिलेंगे। और इनकी किताब ज़रूर पढ़िए, रिवर्बरेशन ऑफ टाइम पीस, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मैंने तो पढ़ ली है और इसी वजह से मेरी जो क्यूरियोसिटी है ना वो बढ़ती ही जा रही। सवाल तो कभी खत्म नहीं होगे, लेकिन हाँ कहीं जाने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। तो वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया इनसाइट्स हमारे लिसनर्स को आज पता चले और मुझे भी पर्सनली। दिस इज योर आरजे अमन साइनिंग ऑफ। गुड डे।